हमारे साथ हैं जेसी पालीवाल जी। जेसी पालीवाल जी, आप होली के शुभ अवसर पर बरेली वासियों को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश ये है कि बरेली हमेशा से प्रारंभ से ही, अगर हम पिछले ये 2010 और 2012 की घटना को छोड़ दें, तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रहा है। हमने अपनी कौमी एकता सेन बनाई, इसका उद्देश्य ये था कि सभी धर्म के लोग ये मान के चले कि हमारा जो है, अगर शहर शांत है, प्रदेश शांत है, देश अगर शांत है, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रगति होगी, हमारा एक हम हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर ही हम लोग यहाँ पर विभिन्न आयोजन करते हैं। उनमें से एक प्रमुख आयोजन ये भी है, हमारा देशवासियों से, खासतौर से बड़े वासियों से, प्रदेशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो देश के समक्ष उन समस्याओं को अगर हम सुलझाना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से अब सहयोग करें। और पूरे देश में जब अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव लोग आते हैं, उसी तरह से जैसा आप सहयोग देते हैं, वो हमारे विभिन्न आयोजनों में सहयोग करें। यही मेरी क्या नाम है आकांक्षा है, यही मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में आपका सहयोग राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय संभावना के लिए बनेगा। हमारे साथ हैं सुरेंद्र वीनू सिन्हा जी, मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष। बताइए सर, होली के अवसर पर बरेली वासियों के लिए क्या संदेश है? होली के अवसर पर यही संदेश देंगे कि एकता बनाए रखें और जो भी त्यौहार है वो शांति और सौहार्द से करें, क्योंकि ये त्यौहार का जो उद्देश्य है वो शांति एकता बनाने का ही है। कुछ लोगों ने उसको जरूर ऐसा कर दिया है खराब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बरेली में, और बरेली क्या पूरे देश में त्यौहार अच्छी तरह से मने, यही मेरी कामना। ठीक, धन्यवाद। शाद बरेलवी जी, मशहूर शायर हैं। बताइए सर। मैं जाहिर हूँ और मैं संदेश देता हूँ इस बात का कि होली हो, कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, सब आपस में मेल जोल रहें और याद रहें। और मैंने ये लिखा है, बताइए सर कुछ लाइनें इसकी पढ़ के सुना दीजिए हमारे लिए। हिंदू को यहाँ मुस्लिम सीने से लगाता है ये शहर, सुना रही हूँ मैं जी। ये शहर बरेली का इतिहास बताता है, हिंदू को यहाँ मुस्लिम सीने से लगाता है। और हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई, रहते हैं यहाँ मिलकर आपस में सभी भाई। यहाँ प्रेम की शम्मा को हर कोई जलाता है, और एक है कि देता है अदा कोई शंख बजाता है। हिंदू को यहाँ मुस्लिम सीने से लगाता है। और आखिर लाइन है कि यहाँ कोई आला हजरत का लर चूमने आता है। यहाँ चार धाम हैं, नाथों की नगरी है, यहाँ प्रेम है आपस में, नहीं फिरका परस्ती है। ठीक, ये शायद मोहब्बत की और अक्षर गीत भी सुनाता है। ये शहर बरेली का इतिहास बताता है, हिंदू को यहाँ मुस्लिम सीने से लगाता है।